मी सर इरफान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज अम्मी के घर का पहला दिन शुरू हो चुका, मतलब रात को मैं आ चुकी थी और सुबह हो चुकी है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, हम लोग उठ चुके हैं, नाश्ता भी हमारा हो चुका है और अली यहाँ पे खेल रहे हैं। अली क्या कर रहे हैं? अली प्याज को खेलने की चीज़ है, बाबा मुँह में नहीं डाले। आ जाओ इधर आओ। और ये बैठे हैं आरिफ बाबा। आयु बाबा क्या कर रहे हो, नाश्ता कर लिया? गोलू मोलू नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता इसने भी कर लिया। और ये मेरी सिस्टर, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। इनकी गाड़ी चलाएंगी। और ये इधर वॉकर में अली, अली इधर आए, अली छोड़ो प्याज को, इधर आओ। ये नानी माँ के घर भी आके उलट पलट करता रहता है। अली आ जाओ। नहीं 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 नहीं, नानी माँ की नाटी, छोड़ो 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 छोड़ो, खाला के पास जाए जाए। तो ये यहाँ पर हैं। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम एक बज रहा है, एक बज रहा है। हमारा नाश्ता हो चुका है, मम्मी गई है खाना बनाने का सामान लेने के लिए, मतलब मार्केट गई है। तो बस अब खाना वाना बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी, क्योंकि हम महीने में एक बार आते हैं और अम्मी के हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं। और मैं तो खासकर अम्मी के हाथ का खाना ही पसंद करती हूँ। तो अम्मी खाना, अम्मी मार्केट गई हैं, तो फिर देखती हूँ, अली को दवाई पिलाती हूँ, मैं खुद दवाई पीती हूँ। और अभी बज गए हैं सवा दो बज चुके हैं। अली बाबा यहाँ बैठे हैं। अली बाबा क्या करते हैं? आपने पूरे कपड़े गंदे कर दिए, मामा ने अभी कपड़े चेंज किए थे। तो अभी मैं इसको सुलाऊंगी। यहाँ पर ठंड है इसलिए मैंने मम्मी के चप्पल पहन लिए हैं। ये आया आरिस बाबा। आरिस बाबा क्या कर रहे हैं आप? वो हंसते हंसते आते हैं। आरिस बाबा क्या कर रहे हैं? आप भी कीनू खा रहे हैं, ये भी कीनू खा रहे हैं, अली भी खा रहे हैं। तो दोनों ने कपड़े गंदे कर दिए हैं, चलते हैं मेरी मम्मी को दिखाने। मेरी मम्मी बना रही है खाना 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 खाना। यहाँ बन रही है सब्ज़ी, ओ माशाल्लाह सब्ज़ी बन रही है, तुरई बन रही है, तुरई तुरई जो मैं शौक़ से खाती हूँ। तो ये तुरई बन रही है। ये क्या कर रही हैं आप? मोबाइल में क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मोबाइल में? हवा को मैसेज कर रही हैं। कहाँ है का भाई? ये हमने अभी खाया है। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ। तो अब पढ़ते हैं हम जोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो फटाफट जोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। और अली को मैंने यहाँ पे सुला दिया, अली सो चुके हैं। अंधेरा है रूम में क्योंकि अली सोए हुए हैं। तो मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट नमाज़। तो जोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं। तो फटाफट जोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो जी खाना आ चुका है और हम खाते हैं खाना। उसके साथ ये मिर्ची के खाने के लिए बने, और उसके साथ ये सलाद। और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं हम सब्जी। तो जी फाइनली मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। तो अब वेट कर रही हूँ मगरिब की नमाज़ अज़ान की। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर देखते हैं। तो जी फाइनली मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है। तो हम पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अली अपनी नानी माँ के पास हैं तो मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं। चाय वगैरह हमने पी ली थी शाम की, तो बस वहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। तो फिर मैं भी नमाज़ पढ़ के थोड़ा आराम करती हूँ। क्योंकि हूँ मैं सो के थोड़ी देर सो गई थी, आराम किया था, क्यों अब भी बज रहे हैं 9:45। तो मैं तो उठ चुकी हूँ लेकिन अली यहाँ पे अब तक सो रहे हैं। अली यहाँ सो रहे हैं और वहाँ पे बन रही हैं रात के लिए रोटियाँ। ये हैं रोटियाँ जो हम रात में खाएँगे, रोटियाँ। तो ये रोटियाँ बन रही हैं। गैस के मसले होते हैं, यहाँ पर भी गैस का मसला है। यहाँ पर गैस बहुत स्लो होती है, स्लो। हमारे गैस के मसले तो हल हो चुके हैं लेकिन यहाँ मम्मी के घर पर गैस बहुत स्लो आती है। तो रोटियाँ बना लेंगे और फिर इसके बाद हम खाएंगे रात का खाना। और देखते हैं अली कब उठते हैं। तो अली के बाबा ने फ़ोन किया था
दो बार फ़ोन किया था अली के बाबा ने आज। मैंने खाना खा लिया है रात का और अभी अली बाबा सो रहे हैं और आरिफ बाबा यहाँ बैठे खिलौने से खेल रहे हैं क्योंकि इनको नींद नहीं आती। ये कब सोते हैं रमू? ये 12 बजे से। आप 12 बजे सोते हैं? 12 बजे से पहले नहीं सोते? 12 बजे से पहले अगर सोते हैं तो फिर जल्दी उठ जाते हैं और फिर रात को आधी रात तक जागते हैं। अच्छा, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। तो क्या बोल रही थी? रेस्टोरेंट कौन सा है बताओ पहले। अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ तो। हाँ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है और अच्छे अच्छे वाले। तो यहाँ तक आएंगी डील्स? वहाँ से डील आ जाएंगी? आ जाती हैं। हम कहीं से भी मंगवाते हैं तो डील आ जाती है। हुसैनाबाद से मौसमी आ जाएगी? आ जाएगी। क्या कहाँ का अच्छा खाना है वहाँ का? उसका साबरी, साबरी का अच्छा है। साबरी का कहाँ आएगा यहाँ तक? ये के देखना पड़ेगा। हम डील मंगवाने का सोच रहे हैं और मेरी बहनें डील मंगवाने का कल सोच रही हैं तो देखते हैं हम कहाँ से फूड स्ट्रीट से सोच रहे हैं मंगवा लें। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, वैरायटी है माशाल्लाह। तो देखते हैं आप कमेंट करेंगे जब तक तो हम खा चुके होंगे। हाँ तब तक तो हम खा चुके होंगे। तो देखते हैं कहाँ से हम डील मंगवाते हैं और क्या मंगवाते हैं। द नेक्स्ट डे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सर इरफान, वेलकम टू अनदर डे। तो अम्मी के घर का दूसरा दिन शुरू हो चुका है तो फिर हम उठ चुके थे और अभी बच गए हैं, 1 बज गया है। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था और अभी अली को मैंने सुला दिया और आरिफ बाबा जाग रहे हैं, ये भी अभी सोएंगे थोड़ी देर में। इसकी मम्मा इसको क्या कर रही है पता नहीं, क्या कर रही है। तो जी यहाँ पे बस मैं फ्रेश होंगी, नमाज अदा करूँगी और अम्मी वहाँ पे खाना, अम्मी वहाँ पे खाना बना रही हैं। तो अली सो चुके हैं, मैं दिखाती हूँ, अली सो चुके हैं, अम्मी खाना बना रही हैं और अली सो चुके हैं। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और जुहर की नमाज़ अदा करती हूँ। तो आज सुबह सुबह का मौसम यहाँ बहुत अच्छा था और यहाँ पे बारिश भी हुई थी आज। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, अम्मी ने बताया सुबह बारिश हुई थी तो बारिश भी हुई थी और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो वहाँ अम्मी खाना बना रही हैं और आरिस बाबा भी सो चुके हैं और अली भी सोए हुए हैं। तो मैं जब तक पढ़ लेती हूँ नमाज, जुहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो फटाफट जुहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं जब तक अली उठेंगे तो फिर तंग करेंगे। तो इससे अच्छा मैं जल्दी से फटाफट नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो जी फाइनली हमने दोपहर का खाना खा लिया था और तो बहुत ही मज़ा आया। मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, झींगे की अकनी बनाई थी, बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ा आया। तो अब असर की नमाज़ मैं पढ़ चुकी थी और मगरिब की अज़ान हो चुकी है तो हम चलते हैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। अली उठ चुके हैं और वहाँ अपनी नानी माँ के पास हैं और अब चलते हैं हम मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। तो मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं, तो मैं अदा कर लेती हूँ मगरिब की नमाज़। एक और बात बताना भूल गई, अली के बाबा आए थे अली से मिलने के लिए लेकिन अली सोए हुए थे, तो अली के बाबा आए थे मिलने के लिए, यहाँ काम से आए थे। तो बोला कि मैं अली का मुंह देख लेता हूँ, तो अली को देखने आए थे लेकिन अली सोए हुए थे तो वो चले गए। तो अब चलते हैं हम नमाज़ अदा करने। यहाँ पे हम शाम की चाय पी के फ्री हो चुके हैं तो अम्मी ने बनाई थी सवैयाँ जो प्लेट में ख़त्म हो चुकी है, जो ये खा चुकी है। ये तो मेरी टिप्पी है और ये है सिस्टर। क्या कर रही हो? क्रशियो कर रही है। क्रॉचेट बना रही हो? यस। ये क्रॉचेट बनाती है इन धागों से जो अली के हाथ में भी पहने हुए हैं। अली दिखाएं तो, ये अली के हाथ में जो पहने हुए हैं ये इसने, इसकी खाला ने बनाए हैं तो ये बना रही है। अली के लिए भी बना रही है और आरिस के लिए भी बना रही है जी, क्योंकि टूट गए इनके, लूज हो जाते हैं। हाँ लूज हो जाते हैं। आरिस का टूट गया? नहीं, आरिस का भी लूज हो गया। इसीलिए मैंने उसको उतार दिया है। तो इसमें कितनी मेहनत है? इसमें बहुत मेहनत है, ये हाथ का काम है ना, बहुत मेहनत है और पैसे कोई देता नहीं है, मेहनत बहुत है। और ये बेचती भी है, सेल भी करती है। कितने की सेल करती है? एक सेट ये करती है 250 रुपये का। 250 रुपये एक सेल करती है, 250 रुपये का ये सेट जो बच्चे दोनों हाथ में पहन सकते हैं। हाँ बाएँ से लेते हैं हम
50-100 वाला तो वो टूट जाती है, टूट जाती है और जल्दी मोतियाँ टूट जाती हैं, और ख़तरा भी होता है कि बच्चे के कहीं मुँह में ना चला जाए। ये सेफ्टी तो है इस तरह की, ये सेफ्टी है, धागा है, मुँह में टूटता तो नहीं है, खैर ये बस अगर कभी लूज़ हो जाता है तो बहुत टाइम के बाद लूज़ होता है। सही है तो सही है ना ये। हाँ ये अच्छा है बच्चों के लिए, यही लेना मतलब बनवा लेना चाहिए। खर्चा करें 250 का और बेस्ट ट्रिप। सही है, बाकी जैसी जिसकी सोच। सही है जैसी जिसकी सोच। मैं तो मैं भी अली के लिए यही बनवाती हूँ, इसके भी लूज़ हो जाते हैं तो इसकी खाला दूसरे बना के तैयार रख देती है, तो मैं अली को यही पहनाती हूँ। तो अगर किसी को अपने बच्चों के लिए लेना हो तो मुझे मुझसे कॉन्टेक्ट करें, ऑर्डर दें तो मेरी बहन बनाएगी। जिस भी कलर का बोलेंगे उसी कलर का बन सकता है, मल्टी कलर का भी बनता है। ये अभी फ़िलहाल बना रही है मल्टी कलर का, ग्रे और ब्लैक कलर का बना रही है। तो हम आप दे सकते हैं ऑर्डर, तो जिसको भी पहनाने हो अपने बच्चों को। सब कुछ हो गया था, खाने की तैयारी भी हमने कर ली। आज आलू की कबाब बनी है और वो बना ली मम्मी ने, तो फिर अब मेरी बहनें देखी बाहर कुछ लेके आई हैं। क्या लेके आई हैं? लेके आई हैं ये, ये क्या लेके आई हो? ये डोनट, ये डोनट लेके आई हैं। और ये क्या लेके आई है? नई फुलवे, वाओ, अखरोट वाली पेस्ट्री, न्यूट्रेला और ये ब्लैक फॉरेस्ट। ये न्यूट्रेला और ये ब्लैक फॉरेस्ट। इधर है ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ है ये तो? ये ब्लैक फॉरेस्ट तो नहीं निकला। अरे उसको वो नहीं बोली थी यार, पता ही नाम नहीं है किसका नाम, प्लेट वाइज नाम था। गलती से मिस्टेक हो गई, इन्होंने ये दे दी, इन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट बोली थी। नाम देखा है तू? ये बहुत मज़े की लग रही है। कहाँ से ली? मारूफ से लिए, तो इन्होंने ली है मारूफ से, मारूफ से लिए। वाह, चलो फिर ये खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जी बना लिया आपने सिस्टर जी, बना ली और सुनने को क्या मिल रहा है? पैसे बना रही है ये दोपहर से, बना रही है अब तक पोछिया नहीं बनी तो मेहनत कितनी है पता? पूरे अंगूठे और उंगलियां लाल हो गई हैं, दर्द हो रहा है मुझे। ओह सो सैड। चलो ये तो बन गई हैं फाइनली, फाइनली बन गई है, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये है लॉक लगाना। हाँ लॉक लगाना बहुत मुश्किल काम है। खाने के बाद करेंगे तो जी फाइनली दे बना लूँ मैं। फाइनली यहाँ पे कबाब फ्राई हो रही है और छोटी वाली सिस्टर फ्राई कर रही है कबाब। सब बता दूँ, हाथ पर कटवा दूँ? और ये सिलेंडर बना रहे क्योंकि हमारा गैस जा चुका है। हमारा गैस जा चुका है इसलिए हम सिलेंडर में बना रहे हैं। जी यहाँ पे लग रही है आग, ये आग लग रही है। ओहो ये इसका फाइनल काम हो रहा है। ये बनाना बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है। अली बाबा, अली बाबा, और अली बाबा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हम खाना खा चुके थे और बस अली यहाँ पे खेल रहे हैं, तो अब अली को भी सुलाऊंगी और मैं भी सोऊंगी और हम सब सोएंगे। अभी बज गए हैं 12:10 हो रहे हैं, तो फिर मेरी तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं सुबह। The next day. Assalamu alaikum. This is me, Seher Irfan. Welcome to another day. तो आज last day अम्मी के घर का, तो आज रात में हम चले जाएंगे। तो अभी उठे हैं हम, थोड़ी देर हुई है 1 बजे उठे और अभी 1:30 बज रहा है। तो अम्मी गई हैं नाश्ता लेने के लिए, तो अम्मी आती तो फिर हम नाश्ता करते हैं, और अली उठ चुके हैं, आज भी उठ चुके हैं, तो फिर नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। जी सुबह हो चुकी थी, हम उठ चुके थे और ये नाश्ता हमारा आ चुका है, हलवा पूरी हम खा रहे हैं नाश्ता। और अली यहाँ पे उठ चुके हैं, अली भी उठ चुके हैं, अली बाबा भी उठ चुके हैं, उठ चुके हैं अली बाबा। करते हैं हम नाश्ता और एंजॉय। अली नाश्ता हमने कर दिया था, कर लिया तो नाश्ता कर लिया, और अम्मी गई हुई है मार्केट, तो यहाँ पे बस काम है, बर्तन पड़े हुए हैं और मैंने इनकी फीडर वगैरह बॉयल करने के लिए रख दी है, तो इनको चेंज करवाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और फिर हम करते हैं दूसरे काम। तो जी आ गया है टाइम अब फेशियल का, तो ये फेशियल किट मंगवाई थी मेरी सिस्टर्स ने, तो हर मंथ मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ज़रूर फेशियल करती हूँ, तो ये किट मंगवाई थी, तो ये हम कर लेते हैं। ये क्या है?
ये क्ले मास्क है, क्लींजर है, क्रीम, ये मसाज है, स्क्रब है, ये पॉलिश पैक है, और ये क्या टोनर है, ये टोनर है, और ये सिरम है, ये सिरम है। तो ये मंगवाए थे कहाँ से मंगवाया था, दराज से ना? नहीं, तो एक लेडी से मंगवाया, ये ऑनलाइन एक लेडी से मंगवाए थे, क्योंकि हम पॉलर जाते देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग हाँ पॉलर से बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा रीज़नेबल पड़ता है, रीज़नेबल प्राइस है, तो इसमें मंगवाया था। तो अब करते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मास्क लगा लिया है हमने, सारे प्रोसीजर हो गए हैं, ये लास्ट में मास्क लगाया है, उसके बाद देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ये है फाइनल लुक, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आया है, समझ नहीं आया कैसा आया रिज़ल्ट, कॉमेंट में बताया कैसा आया रिज़ल्ट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए फटाफट, क्योंकि अली के पापा रात को आएंगे मुझे लेने के लिए। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है, वो मैंने वहाँ पे सब रख दिया है पैक करके, तो पैकिंग मेरी हो चुकी है, मैं फ्री फ्रेश होती हूँ फटाफट खाना खा के। तो जी खाने का दस्तर लग चुका है, अब हम खाना खाते हैं और मैं अली को भी खाना खिलाती हूँ। अली बाबा, ये अली की खाला ने जो बनाया था वो मैंने इसको पहना दिया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आयु बाबा क्या कर रहे हो, आयु बाबा ने पूरा दस्तर ख़राब कर दिया है। तो खाना खाते हैं, खाना हमने खा लिया था और थोड़ी देर आराम भी हो चुका है, तो फ्रेश में हो चुकी हूँ, बस तैयार होने अली के पापा आएंगे फिर मैं तैयार होंगी, और अली यहाँ पे सोए हुए हैं, ये भी उठेंगे तो फिर मैं इनको तैयार करूँगी और फिर खाना खा के हम लोग अपने घर जाएंगे। तो अली के पापा आते हैं तो फिर मैं आपसे मिलूँ। तो जी फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अली के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, अली पापा रास्ते में वो आते हैं तो हम जाते हैं अपने घर। तो ये मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, अली को मैंने तैयार कर दिया है और बस अब खाना खा के हम निकलेंगे। मम्मी ने आज बनाए हैं कोफ्ते, तो मैं दिखाती हूँ आपको कोफ्ते, या मैं खाने के टाइम दिखाऊंगी आपको। ठीक है, लो जी फाइनली अली के बाबा आ चुके हैं और अब हम खाना भी हमने खा लिया। बड़ा आया हूँ मैं, फाइनली इतने बड़े आ गए हैं और खाना खाया, बहुत मज़ा आया, खाने में मज़ा आया। हाँ कोफ्ते मम्मी ने बहुत अच्छे बनाए थे माशाल्लाह से। तो बस पेट हमारा हो गया फुल और अब हम जाएंगे मेरे हमारे दूसरे घर पे, वहाँ पे खाली करेंगे कॉइन है। तो हम जाएंगे घर और फिर तो जी उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो, आज का व्लॉग नहीं 3 दिन का व्लॉग। तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।